कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने आज प्रदेश कार्यालय में एक पत्रकार वार्ता को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने व्यापम और पटवारी भर्ती घोटाले को लेकर सरकार पर जमकर निशाना साधा। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने पीएम मोदी से सवाल पूछते हुए कहा कि जनता जानना चाहती है कि आखिर मध्य प्रदेश को भर्ती परीक्षाओं में सरकारी माफिया से कब मुक्ति मिलेगी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री यह बताएं कि मध्य प्रदेश में कुल कितनी भर्ती परीक्षाएं हुई जिनके पेपर लीक नहीं हुए। प्रधानमंत्री को लगता है कि व्यापम के आरोपी मुख्यमंत्री को बदल देने से भाजपा के अपराध को जनता भूल जाएगी। अभी पटवारी परीक्षा हुई, एक बेटी को मध्य प्रदेश की राजधानी याद थी, वो टॉपर थी, परीक्षा एग्जाम में जांच हुई, जांच की रिपोर्ट क्या है, अंतोगत्वा क्या हुआ, उसको मध्य प्रदेश के सामने दिया, न मीडिया के सामने दिया रिपोर्ट। ऐसी 40 एग्जाम हुई, 40 में सफले, व्यापम जैसा कलंक जिसमें 50 लोग मर गए, कई अभिभावक जेल चले गए, 40 एग्जाम में पर्चे लीक होना, करप्शन होना, पैसे की लेन देन होना आम बात हो गई। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।